दोस्तों, कुछ लोग दुनिया में सबसे अलग और हटके दिखना चाहते हैं, जिसके लिए वो किसी भी हद तक आगे बढ़ जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में देखने वाले हैं, जिनकी ये चाहत उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक भी ले गई है। बुल बियर्ड, दोस्तों आप जो वीडियो में देख वो असली बियर्ड है। एमजे जॉनसन नाम के शख्स को वर्ल्ड बियर्ड चैंपियनशिप जीतनी थी, जिसके लिए उसने 12 साल का वक्त लिया। उसकी 18 इंच लंबी मूंछें अमेरिका में काफी फेमस है, जिसे किसी सिंह जैसा आकार दिया है। उसे कई बार हार का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन एमजे ने कई सालों की मेहनत के बाद वर्ल्ड बियर्ड चैंपियनशिप आखिर में जीत ही ली थी। फ्लेश टनल्स, दोस्तों पुराने जमाने से लोग अपनी बॉडी पर अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस करते आए हैं। अमेजन के आदिवासी लोगों में भी इस तरह की परंपरा दिखाई देती है। वीडियो में देखे जाने वाले शख्स के कानों में 10 सेंटीमीटर के होल है, जिसमें से एक इंसानी हाथ आराम से जा सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए इसने अपने पूरे चेहरे को मॉडिफाई किया है, जिसमें 2 सिलिकॉन के सिंग भी लगाए गए हैं। दोस्तों, किसी इंसान के शौक उसे किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं। ऐसी एक कहानी है टेड की, जिसे पैरट्स बहुत पसंद है और वो उनके जैसा दिखना भी चाहता था। अपने शरीर पर 100 से ज्यादा टैटूज बनाए हैं, जिससे वो पैरट जैसा दिख सके। इतना ही नहीं, उसने अपने कान भी काट दिए हैं। उसने अपना घर भी एक पैरट के पिंजरे जैसा बनाया है। एरिक, कई लोग अपनी बॉडी पे स्कल यानी खोपड़ी के टैटूज बनाते हैं, लेकिन कोलंबिया के एरिक ने एक स्टेप आगे जाकर अपने चेहरे को एक खोपड़ी जैसा बनाया है, जिसके लिए उसने अपनी जीभ, कान और नाक को भी काट दिया है। एरिक को स्केलेटन मैन नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फिलीपींस के एक छोटे से अलावट आइलैंड पर 70 से ज्यादा ट्विंस हैं, जिनमें सबसे ओल्ड 90 साल के तो सबसे छोटे 2 साल के। यहाँ हर 3 फैमिली में एक ट्विंस पैदा होते हैं। इसकी वजह कोई नहीं जानता। कोई बोलता है कि यहाँ के पानी के कारण ट्विंस पैदा होते हैं, तो कोई बोलता है बनाना खाने से। यहाँ पे बनाना भी ट्विंस ही मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।